नमस्कार, मैं प्रिया तायल, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के चलते समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान खूब सुर्खियों में है। आजम खान ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें वह अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को लेकर बात की तो वह भावुक हो गए। साथ ही आजम खान ने अपने ऊपर लगे पाकिस्तानी एजेंट के आरोप में कहा कि मेरे चाचा बुआ मामा पाकिस्तान में हैं, बंटवारे के समय वे वहीं पर हैं। उन्होंने बताया कि उनकी सगी बहन की शादी पाकिस्तान में हुई है लेकिन अपने भांजे की शक्ल नहीं पहचानते क्योंकि वो उन्हें हिंदुस्तान नहीं आने देते। आजम खान बोले कि पाकिस्तान में मैं कभी गया नहीं, बिना गए ही पाकिस्तानी एजेंट कहलाता हूँ। वहीं अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के सवाल पर भावुक होते हुए आजम खान ने कहा कि नाराज तो किसी से था ही नहीं क्योंकि इस घर में को मैंने ही बनाया था तो गिरने कैसे देता। उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से नाराजगी के सवाल पर कहा कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं दिल को किसी बात से ठेस लगी हो। वहीं मुलायम सिंह यादव पे बेवफाई वाली शायरी सुनाते हुए उन्होंने कहा कि कोई वजह तो रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। उन्होंने कहा कि कुछ बातों को लेकर किसी से मायूस हो सकता हूं, लेकिन नाराज कैसे हो सकता हूं। साथ ही आजम खान ने कानपुर प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में हुई हिंसा की घटनाओं और राज्य में आरोपियों पर हुई की जा रही कार्रवाई पर अफसोस जताया है और कहा कि आजाद मुल्क में अपने हम वतनों पर ऐसा शुल्क अच्छी बात नहीं है। बिलडोजर कहीं सही हो सकता है, कहीं गलत हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रक्शन और से कंस्ट्रक्शन कभी नहीं हो सकता। आपको बता दें कि 23 जून को यूपी में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन के साथ।